तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एनकम्पासिंग पेनिट्रेशन इन टू अवर लाइफ्स, मतलब इट हैज सच ए इम्पॉर्टेंट रोल, इट फाइंड इट्स यूसेज एंड इट्स एप्लीकेशन एवरीवेयर, मतलब दे आर लाइफ सेविंग, दे आर न्यूट्रिशनल, दे आर एवरीथिंग टू अस. दिस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज मेड द ह्यूमन लाइफ वेरी इजी एंड द थ्राइविंग ऑफ द ह्यूमन रेस इटसेल्फ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायो प्रोसेसेस एंड द साइंटिस्ट विच आर इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेसेस. सल्यूट टू देम. नाउ बायोटेक्नोलॉजी अगेन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन. तो वन ऑफ द इट हैज मेनी एप्लीकेशन. सो द थिंग विच हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी एंड विच एनकंपासेस योर एनसीईआरटी सिलेबस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. देखिए, जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, एवरी वन नोज कि अगर वो कम प्रोड्यूस होता है तो अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिजीज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, तो अब डायबिटीज मेलाइटिस से वो पेशेंट सफर करता है, तो एक दिमाग में बात आती है कि इंसुलिन को बाहर से अगर दे दिया जाए, भाई ओरली दे नहीं सकते हैं, पेप्टाइड फॉर्म में है, स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन कराएं. तो भाई लें किससे, कहाँ से ले लें? तो जब लेने की बात आती है तो हम लोग एनिमल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहली बार, बैंटिंग एंड बेस्ट 1921 में सबसे पहली बार इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था एनिमल सोर्स से. एनिमल सोर्स से पहली बार एक्सट्रैक्ट किया था. एक्चुअली वो एनिमल सेल क्या था, डॉग की पेनक्रियास से. भाई पेनक्रियास के अंदर ही तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं. एक्चुअली जो इंसुलिन, ये नाम भी आया हुआ है ना, इंसुलिन, इसका मतलब ही होता है इंसुला, आइलैंड. तो एक कोशिश की गई कि भाई बाहर से अगर रीइन्फोर्समेंट मिल जाए इंसुलिन का तो ऐसे पेशेंट्स की जो लाइफ है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, वरना हाइपरग्लाइसिमिक होके कई पेशेंट्स जो होते थे वो, उनकी जो मॉर्बिडिटी होती थी, जो स्टेटस होता था, वो बहुत लंबे समय तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशंस नहीं होते थे. ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये एनिमल सोर्स से निकला था तो कई पेशेंट्स जो थे वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते थे. भाई आपने बॉडी के अंदर वो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड सिस्टम्स पढ़ रखा है, जिसमें बॉडी जो है वो नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, या एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं उसके अगेंस्ट. तो मेनी पीपल वर हाइपर सेंसिटिव. कई लोग जो थे वो हाइपर सेंसिटिव हो गए. तब अब देखा गया कि हाइपर सेंसिटिविटी दिख रही है कुछ पेशेंट्स में. तो फिर वो दिन था 5 जुलाई का, 5th of July 1983. एली लिली एक कंपनी थी, इसने इंसुलिन बनाया, आर्टिफिशियल इंसुलिन, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनी पहली बार. अब देखिए दिक्कत क्या आती थी. पहले क्या होता था कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विच साइंटिस्ट फेस्ड. प्रॉब्लम द जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उनको दिक्कत क्या है,
साइंटिस्ट जो थे उनको क्या फेस होती थी कि जो ह्यूमन इंसुलिन होता है ना वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, इनएक्टिव प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एक्टिव इंसुलिन नहीं होता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। धीमे धीमे जब इसका मैच्योरेशन होता है तब ये एक्टिव इंसुलिन बनता है। तो जब भी साइंटिस्ट जो थे वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स का जो डीएनए है जो इंसुलिन बनाता है, जो जीन जो इंसुलिन एनकोड करती है, जब उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर तो प्रो इंसुलिन ही बन रही थी, इंसुलिन नहीं बन रही थी जो कि एक्टिव फॉर्म है। एक्चुअली में अगर इसको आप थोड़ा जीन लेवल पे आकर के देखें तो इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, 51 अमीनो एसिड का बना होता है। तो अल्फा और बीटा दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसकी, तो एक में 20 पॉलीपेप्टाइड है, एक में 31 पॉलीपेप्टाइड है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें मान लीजिए कि ये किस पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो जो प्रो इंसुलिन है, किसकी बात अब मैं कर रहा हूं, प्रो इंसुलिन की, तो उसमें सी पेप्टाइड का एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, इसको कहते हैं सी पेप्टाइड। तो जब बॉडी में ब्लड के अंदर मैच्योरेशन होता है तो धीमे धीमे करके ये जो प्रो इंसुलिन होती है वो सी पेप्टाइड से निजात पा जाती है। दिस सी पेप्टाइड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द इंसुलिन, और फिर वो इंसुलिन जो है मैच्योर इंसुलिन बन जाती है। तो जब भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स का जो जीन है जो इंसुलिन को कोड करता है, जब भी उसको साइंटिस्ट मिलाने की कोशिश कर रहे थे तो हमेशा प्रो इंसुलिन बन जा रही थी। अब प्रो इंसुलिन हम क्या करेंगे, तो इनएक्टिव फॉर्म है ना, तो हमें एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करना था। तो यही वो डे था 1983 में 5 जुलाई का कि एली लिली एंड कंपनी जो थी इसने एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया, उसने ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग बैक्टीरिया में बनाई, बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग बैक्टीरिया में बनाई। भाई पॉलीपेप्टाइड तो ट्रांसलेशन से बन ही जाएगा, है कि नहीं, और फिर उन दोनों को जो है डाइसल्फाइड लिंकेज उनका करा करके और इंसुलिन जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो डायबिटिक लोग जो होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होती है उनके लिए ये वरदान साबित हुआ। समझ में आया कि किस तरह से दिक्कतें आती हैं साइंटिस्ट को और फिर क्या दिमाग लगता है बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका, किस तरह से वो ह्यूमन रेस के यूजेनिक्स जिसको कहते हैं, ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट और उसके फ्यूचर को लेकर के कितना आश्वस्त करते हैं हमें। तो उसका ये डायग्राम भी जो है ये बना हुआ है, देखिए किस तरह से बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट की जा रही है ए चेन और बी चेन। तो अल्फा और बीटा चेन इन दोनों को लिया और इनको कंबाइन कर दिया, रिड्यूस्ड एंड रीऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस द एक्टिव इंसुलिन। इस तरीके से इन्होंने इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म बनाने में सफलता हासिल की। जीन थेरेपी में किस तरह से उपयोग है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक एडीए डिफिशियंसी है, 90 का केस है, 1990 में एक 4 साल का बच्चा था, 4-year-old किड था, उसको जीन थेरेपी से ट्रीट किया गया था पहली बार। एक्चुअली इस बच्चे को एडीए डिफिशियंसी थी।
एक्चुअली इस बच्चे को एडीए डेफिशिएंसी थी। देखिए एडीए जो होती है एडेनोसिन डीएमिनेज, एक एंजाइम होती है एडेनोसिन डीएमिनेज, ये एक एंजाइम है, ये इम्यून रेस्पॉन्स को मीडिएट करती है, बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को मीडिएट करती है। तो बच्चा अगर कंजेनाइटली इस एंजाइम की डिफिशियंसी से सफर करेगा ड्यू टू एनी ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रेशंस, तो फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बेबी पैदा होगा और फिर जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो काफी कम हो जाती है। तो भाई कई कोशिशें की गई, उन कोशिशों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, करके देखा गया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है उस एंजाइम को इंजेक्ट कर दिया जाता था आर्टिफिशियली उस बच्चे के अंदर, उस पेशेंट के अंदर। लेकिन क्या होता है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है किसी भी चीज का, तो दिस वाज नॉट द क्योर कि भाई आपको हर महीने आकर के ये एडिनोसिन डीएमिनेज का इंजेक्शन लगवाना है, और कॉस्टली भी पड़ता है, फिर न लगवा पाइए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस तो दिक्कत होने लगती है। तो ये परमानेंट इलाज नहीं था एडीए डेफिशिएंसी का। तो साइंटिस्टों ने फिर फिगर आउट किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसमें कैरिंग द प्लाज्मिड विद अ क्लोन्ड नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन, भाई जो बॉडी की सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया नॉर्मल पर्सन के बॉडी की सेल से जो डीएनए है उसके जीन जो कि एडीए एंजाइम को कोड करती थी एडेनोसिन डीएमिनेज को, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तरीका देखिए आपको पता है, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना, फिर बैक्टीरिया को ठंडा करना, फिर उसको हीट शॉक देके वापस ठंडा कर देना, है कि नहीं। तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो है, देखिए ब्लू रंग से दिखाया हुआ है, ये वो जीन है जो कि एडीए को एनकोड करेगी, तो उसको बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है। फिर एक जेनेटिकली डिसेबल्ड या डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस को लिया गया, ठीक, इन दोनों का डीएनए जो है इसको क्लोन करा दिया गया। अब यहां पर रिट्रोवायरस को एनिमल है ना, तो रिट्रोवायरस को एज अ वेक्टर लिया गया और इसके अंदर देखिए ये अ क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरस, इस वायरस के अंदर उस क्लोन्ड रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक प्लाज्मिड को इसके अंदर डाल दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक। फिर डीएक्टिवेटेड वायरस था रिट्रोवायरस, मतलब कि इसकी जो डिजीज कॉजिंग क्षमता थी उसको खत्म कर दिया गया, और उसके बाद इसमें प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करा करके ये जो पेशेंट है इसके सेल सैंपल्स लिए गए जिसमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगी, क्या मिल रही थी, लिम्फोसाइट्स, उससे इस वायरस को इन्फेक्ट करा दिया गया। दिस रिट्रोवायरस इन्फेक्ट्स द टी सेल्स ट्रांसफरिंग द एडीए जीन इनटू द सेल्स, ठीक है। तो ये रिट्रोवायरस, ये नॉर्मल सेल्स थी, रिट्रोवायरस का इन्फेक्शन हुआ, अब देखिए इसके अंदर ये नॉर्मल ये एडीए जीन का ट्रांसफर कर दिया। भाई वायरस तो वायरस नेचुरली क्या करता है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिला करके अपने हिसाब के प्रोटीन्स को ट्रांसलेट कराता है कि नहीं। तो वही भाई इस वायरस ने किया, लेकिन इस बार क्या था, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था इट वॉज ऑल्सो हैव कंटेनिंग अ जीन विच नॉर्मली कोड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। तो जो सेल थी वो उन्होंने कहना माना लिम्फोसाइट्स ने, उन्होंने फटाफट जो है एडीए सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। अब इन सेल्स को कल्चर में ग्रो करा दिया गया, उनका अमाउंट बढ़ा दिया गया कल्चर मीडियम में डिवाइड कराने के लिए, और फिर इनको जेनेटिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इट वॉज री इम्प्लांटेड इन टू दैट एडीए डेफिशियंसी पेशेंट, उसके अंदर वापस इनकॉर्पोरेट करा दिया गया। लेकिन अब इस प्रोसेस के साथ भी एक दिक्कत थी कि भाई लिम्फोसाइट्स की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएंगी, तो नया फिर हमें लिम्फोसाइट्स का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा उनके अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि फेस हो रही थी।
तो ये जीन थेरेपी में भी देखिए आप किस तरह से, अब ऐसे तो अगर इस एडेनोसिन डीएमिनेज का आप एमिनोसिंथेसिस कर लीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, और उसी में मैरो सेल्स के अंदर जो एम्ब्रियो है उसी की मैरो सेल्स के अंदर अगर आप ये एडीए जीन का इनकॉर्पोरेशन करा दें तो वो परमानेंट क्योर हो जाता है। ये एक परमानेंट क्योर था। तो इसमें भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो जीन थेरेपी है, तो ऐसे कई और रोग हैं जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, तो उसमें भी इस तरह के प्रयोगों को किया गया है जिसमें डिफिशियंसी हो जाती है। अब आप लोग ये बताइएगा कि होमोजेंटेसिक एसिड आपने कहाँ पढ़ा है और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, और जीन थेरेपी देखिए वहां पर कारगर सिद्ध होती है कि नहीं होती है। ये आप लोगों के लिए जैसे एनसीईआरटी में दे देता है ना क्वेश्चन लिख करके, थिंक अबाउट कि वाई द इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, लिखा हुआ है ना, तो उसी तरह से ये सवाल मेरा है आपके लिए। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का भाई पूरा उपयोग है। देखिए ये पीसीआर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि पेंडोर्फ ट्यूब एक अपैरेटस होता है, उसके अंदर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कैरी आउट होता है। तो ये पीसीआर का जो उपयोग है फोरेंसिक मेडिसिन में या अर्ली डिटेक्शन ऑफ सम ऑफ द डेडली डिजीज, भाई कोई भी डिजीज का टेस्ट आप तभी कराने जाते हैं ना जब वो क्लिनिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट करता है कि नहीं, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है, वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा हो चुका होता है। तो अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करनी है भाई, जब एक बार देरी हो गई तो कोई भी टेस्ट आप करवा लीजिए तो उसमें पता लग जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत में ही जबकि वायरल लोड बहुत कम है बॉडी के अंदर, अगर तभी आपको ये पता लगाना है कि वेदर यू आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर वायरस, इट कैन बी एड्स, इट कैन बी हेपेटाइटिस, तो हम एक नेसेसरी प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स ले सकते हैं ना, या क्यूरेटिव मेजर्स एट एन अर्लीस्ट ले सकते हैं, तो उसके लिए ये पीसीआर टेक्निक है। जैसे देखिए अभी कोरोना का जो आरटीपीसीआर करते हैं, है कि नहीं, रैपिड टेस्ट है ना ये, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, फिर इस स्वैब का सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर वायरस डीएक्टिवेशन एंड आरएनए उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, वायरस को डीएक्टिवेट करके उसका जो वायरस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया आरएनए। अब उस आरएनए को उसका रिट्रो ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं। रिट्रो मतलब भाई नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, हम रिट्रो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, यानी आरएनए से वापस उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए पैटर्न बना ले रहे हैं, फिर उस डीएनए को रियल टाइम पीसीआर मशीन में रख करके एम्पलीफाई करा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। देखिए उसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, डीनेचुरेशन था, एनीलिंग है, फिर इलोंगेशन है विद हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज, फिर ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है, साइकिल को कई बार बढ़ा देते हैं। तो फिर आपको पता चल जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंटेंट है कि भाई नहीं, अगर आप इन्फेक्टेड नहीं है उस वायरस से तो वो यहीं तक रह जाएगा, बहुत आगे नहीं जाएगा वो ग्राफ। पीसीआर में जब कई बार एम्पलीफाई करा देंगे डीएनए को और फिर भी एक सेट लिमिट से नीचे ही रहता है अगर उसका कंसंट्रेशन, तो ये मान लेते हैं कि आदमी नेगेटिव है, ही और शी हैज नॉट बीन इन्फेक्टेड विद इट। लेकिन अगर पीसीआर के साथ जो उसकी एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर देते हैं। तो ये देखिए यहां पर इस समय करंट टाइम में जब इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है तब भी इस बायोटेक्नोलॉजी का कितना उपयोग है। ऑल थ्रू द वर्ल्ड आरटीपीसीआर तो आपने कितनी बार सुनाया करवाया होगा फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, आरटीपीसीआर का उपयोग करते हैं। इसी तरह से कैंसर सेल्स का भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो कैंसर सेल्स होती हैं जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस, इजंट इट, ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस। तो ये जो म्यूटेंट जीन होती हैं इनको ऑटो रेडियोग्राफी के जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर इनकी इमेज नहीं आएगी। एक्चुअली कैंसर सेल्स जो होती हैं
इनमें आपको जब मैंने कैंसर बताया था तो उसमें बताया था कि भाई बॉडी में नॉर्मली तीन तरह की जीन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, है कि नहीं, जो कि नॉर्मल एपोप्टोटिक प्रोसेस या डीएनए रिपेयर में हेल्प करती है, जिनको हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। तो उसमें प्रोटो ऑन्को जीन्स बताया था मैंने आपको, याद करें आप वो कैंसर का वाला पार्ट। तो अगर ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन हो गया तो हम करते क्या है बेसिकली, कि एक कंट्रोल डीएनए, एक नॉर्मल डीएनए पैटर्न लेंगे और उस नॉर्मल डीएनए पैटर्न को नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड नॉन म्यूटोजेनिक डीएनए लेंगे और इसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब, भाई रेडियो एक्टिव प्रोबिंग कर देंगे, यानी इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच कर देंगे ताकि फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखे, वो रेडियो एक्टिव एल्यूमिनेशन होता है ना, तो इसको रेडियो एक्टिवली ट्रीट कर देंगे इस डीएनए को। और फिर इसको जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल, जो सैंपल आया है सेल का सैंपल, तो उसमें तो ये नॉर्मल जो है सेल सैंपल में, तो जो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो सी डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो बाकी नॉर्मल जीन्स के साथ तो कॉम्प्लीमेंटेशन कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 मान लिया, ये सी डीएनए का एनकोडिंग फैक्टर था, तो जितनी भी नॉर्मल जीन होंगी 1 2 3 4 5 उनके साथ तो इसका मिलन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑन्को जीन यानी म्यूटेटेड जीन वहां पर प्रेजेंट है, मान लीजिए कि 1 2 3 गायब, 4 है, 7 है, 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 अब इसके साथ पेयरिंग नहीं शो करेगा। तो जो सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशंस आता है वो हमेशा, देखिए यहां पर मैंने चित्र दिखाया है, मैक्सिमम फ्लोरोसेंस तभी दिखता है वाइंडेड डीएनए में, जब आप उसको डीनेचर कर देंगे तो उसका फ्लोरोसेंस खत्म हो जाता है। तो जो डीएन जो ऑन्कोजेनिक डीएनए कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूटेटेड जीन, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे इल्यूमिनेट नहीं होगा, ऑटो रेडियोग्राफी इसको कहते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये कैंसर में भी इसका उपयोग है। ठीक, फिर देखिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी और कई टेस्टिंग है। ये एलिसा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं इसको, एलिसा टेस्ट। ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी, ये या तो प्रोटीनेशियस या ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एंटीजेंस जो कि बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, या इन वायरसेस के रेस्पॉन्स में बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आइदर ये एंटीजेनिक रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेगा या द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू दिस इन्फेक्शन उनको डिटेक्ट करता है। तो इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक्स भी हैं, दिस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी है। देखिए यहाँ पर कोटिंग करते हैं पहले पॉलीस्टाइरिन प्लेट से, इसके बाद ब्लॉकिंग कर देते हैं अनरिलेटेड प्रोटीन्स की ताकि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आ जाए। फिर डिटेक्शन है एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी या एंटीजन, दोनों में से कोई भी हो, दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द टारगेट एंटीजन और अदर एंटीबॉडी। उसके बाद रिजल्ट आ जाते हैं कि सब्सट्रेट इज एडेड एंड द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन इज मेजर्ड। तो जो वो सिग्नल इम्यूनोफ्लोरोसेंट भी हो सकता है, वो किसी क्रोमैटोग्राफिक रिजल्ट हो सकते हैं, तो दिस डिपेंड्स, तो वो इंडिकेशन जो है दैट डिपेंड्स, पर जो प्रोसेस है एंटीजन एंटीबॉडी का वो यही रहता है कि सबसे पहले कलेक्ट करिए, फिर अनरिलेटेड प्रोटीन्स को मास्क कर दीजिए, फिर एंजाइम को डालिए उसके अंदर अलॉन्ग विद द एंटीजेनिक कॉम्प्लीमेंट। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता है तो एक इम्यूनोफ्लोरोसेंट ऐसे आपके सामने आ जाएगा, और नहीं बनता है तो अगेन इट इज अ नेगेटिव रिजल्ट, यानी वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये एलिसा टेस्ट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी जो है
ये इट फाइंड्स इट्स वे इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स में लेट अस ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जिनकी जीन्स को एल्टर करके हम वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स या स्टडी कर सकते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कहते हैं। वो शीप हो सकती हैं, काउ हो सकती हैं, पिग हो सकते हैं, लेकिन 95% ऑफ इट इज स्टिल माइस, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एनिमल इज माइस, चूहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं और इनसे हमें फायदा क्या है, कि अगर इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्या कुछ फायदा निकाल सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अब जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनकी स्टडी हम कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर, कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। तो इनकी जब स्टडी करनी होती है तो हम एनिमल मॉडल्स को ले लेते हैं, इन ट्रांसजेनिक मॉडल्स को स्टडी करते हैं इनके अंदर। ठीक है, देन द स्टडी ऑफ डिजीज, कई तरह के ऐसे डिजीज होते हैं जैसे फिनाइल क्यूटोन यूरिया है, एलकैप्टोन यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इनके प्रोग्रेशन के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। तो जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेशन ऑफ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। जितने भी तरह के डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें कौन कौन सी ऐसे इन्फेक्शन के बाद जीन्स हैं जो कि एक्टिवेट होकर के प्रोलिफरेट करती हैं, किस तरह के टॉक्सिन्स या डीजेनरेटिव मॉलिक्यूल्स निकालती हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसकी जो पूरी पैथोजेनेसिटी और स्टीरियो पैथोलॉजिकल हायरकी है, सीक्वली है, इसको जो है स्टडी करते हैं हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। ठीक है, देन यू हैव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्या होता है, ऐसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेडिसिंस हैं जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लेकिन इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को खरीदना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिप्लॉय करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें ही इन तरह इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करें। जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, इस एंजाइम को जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन को प्रोड्यूस कराया गया जो कि एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, एम्फाइसीमा। इसी तरह से फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू के लिए भी जो एंजाइम्स हैं उनको इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में प्रोड्यूस कराया जाता है। ऐसी 97 में एक काउ थी, रोजी काउ, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ताकि वो ह्यूमन मिल्क जो होता है, ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस करे, अबाउट 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर ये रोजी काउ देती थी। तो जो ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क होता है इट इज अ बेटर सप्लीमेंट देन दिस कंटेम्पररी काउज मिल्क, क्योंकि इसमें लैक्टो अल्ब्यूमिन है। ये जो रोजी काउ ने प्रोड्यूस किया था, दिस काउ, अगर आप इसको रोजी कहते हैं, तो इसने जो मिल्क प्रोड्यूस किया था उसमें ह्यूमन लैक्टो अल्ब्यूमिन है, ह्यूमन लैक्टो एल्ब्यूमिन होता है।
तो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, बट टेक्नोलॉजी वही जो लोगों तक पहुंचे। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार करने का क्या फायदा अगर वो आम जनता को नहीं मिलती है तो, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए भाई कई तरह की जो वैक्सीन्स हैं आज भी, जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं इनके ह्यूमन ट्रायल से पहले जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे इनका ट्रायल किया जाता है ना। और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी भाई पहले माइस पर स्टडी करते हैं, फिर उन जो स्टॉक्स बचे हुए हैं वैक्सीन्स के उनको मंकी के ऊपर टेस्ट किया जाता है, फिर कहीं जा करके वो ह्यूमन ट्रायल्स में आते हैं। और कई स्टेजेस होती हैं इस स्क्रीनिंग की किसी भी ड्रग या वैक्सीन की, उसके बाद कहीं जा करके ये मार्केट में डाली जाती है, उतारी जाती है, ठीक है। सो वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल टेस्टिंग में भी इनका अपना उपयोग है। सी सम ऑफ द एथिकल इश्यूज। देखिए एथिकल इश्यूज का मतलब क्या होता है कि बायो पेटेंट्स और एथिकल इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि एथिकल इश्यूज में यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज टू पास थ्रू मेनी टेस्ट्स बिफोर, जब तक कि उसकी जो वैक्सीन है या ड्रग है उसको मार्केट में उतारा जाए। तो हमारे इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग की अप्रूवल कमिटी है, GEAC, वो एक एडवाइजरी कमिटी भी है, वो मॉनिटरिंग कमिटी भी है और वो अप्रूवल कमिटी भी है। एक तरह से देखा जाए दिस इज द मेन कमिटी GEAC। ये काउंसिल जो है ये देखती है कि जितने भी जो मानक भारत सरकार ने लगा रखे हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स मेंशन कर रखे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हो रहे हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल मैन उतारते समय और ड्यूरिंग ये कभी भी औचक निरीक्षण करते हैं, बॉडी मार्केट में जाकर के सैंपल लेते हैं दवाइयों का, ठीक है। तो जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनका जो अप्रूवल होता है वो थ्रू दिस कमिटी होता है। इसके अलावा द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी जो है ये सिर्फ एडवाइजरी कमिटी है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी एंड स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये सारी की सारी अप्रूवल कमिटी है। और मॉनिटरिंग अप्रूवल के बाद जो मॉनिटरिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो है वो करती है, ताकि किसी भी तरह के कोई एथिकल इश्यूज ना आए। भाई पता होना चाहिए जैसे ग्रीन डॉट और ब्राउन डॉट बने होते हैं कि दिस इज अ वेज एक्सट्रैक्ट, दिस इज अ नॉन वेज एक्सट्रैक्ट, तो ये चीजें बनाना। फिर हम आ जाते हैं बायोपायरेसी और पेटेंट्स पर। देखिए बायोपायरेसी का मतलब ये हो जाता है कि इट इज अ टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि नीम है, टर्मरिक है, हल्दी या बासमती राइस है, वो हम इट इज नेटिव टू इंडिया है कि नहीं, लेकिन 1997 में एक US कंपनी ने US पेटेंट एसोसिएशन से बासमती राइस का पेटेंट ले लिया। भाई चीज हमारी थी, हमसे आपने कोई संस्तुति ही नहीं ली, नॉट आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि हमें लाइजनिंग कर दें, आप हमें सूचना दे दें कि हम भाई आपका पेटेंट करना चाह रहे हैं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस देन प्लीज डू कम ओवर हियर, आप आइए यहां पर। तो इसको बायोपायरेसी कहेंगे। भाई द बासमती, द टर्मरिक, द नीम वॉज पेटेंट टू अस, इंडिया में उगते हैं ये, इनका जो नेचुरल होम है वो इंडिया है, लेकिन हमसे आप लोगों ने कोई भी परमिशन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेने की आपने सोची नहीं, तो केसेस उस पर चल रहे हैं। और ना ही उस चीज का आप जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसको बेच करके, क्योंकि अब इंडियन कंपनी तो फिर बेच नहीं पाएगी क्योंकि पेटेंट तो जो है वो US कंपनी को मिल गया है, तो वर्ल्ड मार्केट में जो US कंपनी बासमती राइस बेच रही है उसको कितना प्रॉफिट होता है। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने अपने एक ड्वार्फ वेराइटी से बासमती को क्रॉस करा दिया और उससे जो प्रोडक्ट मिला उसको कह दिया कि इट इज पेटेंट टू अस, दैट्स ऑल। तो ये तो चोरी हुई ना, कि हमारे जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वर्ल्ड मार्केट में कर रहे हो और जो उसका प्रॉफिट कमा रहे हो उसका एक पैसा हमारे इंडिया में नहीं आ रहा है,
सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड बायो पायरेसी। इसी तरह से थाईलैंड में एक फंगस हुआ करता था विच वॉज नेटिव टू थाईलैंड। ये यूएस एंड जापान एंड सम टू 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 एंड सम एक्सटेंट ब्रिटेन, ये तीनों जो हैं ये बायो पायरेट्स हैं। दीज थ्री कंट्रीज, द जापान, द यूएस एंड द ब्रिटेन, ये बायो पायरेट्स हैं। अब मैं थाईलैंड की बात बता रहा था, वहां पर उसके शोर पर एक फंगस उगता है, तो उस फंगस के जो एक्सट्रैक्ट हैं दे आर सेड टू बी कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, ऑन्कोजेनिक सप्रेशन कॉज करती हैं। तो अब ये जो अमेरिका से लोग आते थे और उन्होंने क्या किया कि जो सैंपल्स उनके यहाँ पर भेजे गए थे उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए, उन सैंपल्स को चोरी कर लिया और उससे मेडिसिन बना के उसको बेचने लगे। तो इस पर थाईलैंड ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई फार्मास्यूटिकल बेनिफिट इतना ज़्यादा हो रहा है आपको और ये जो पेटेंट है इट इज़ नेटिव टू अस और आप जो है इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स हमारा है। तो ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे रबर प्लांटेशन है, भाई रबर जो हीविया ब्राजीलियनसिस है इट बिलोंग टू कहाँ, ओरिएंटल क्लाइमेट ब्राजील का, उसको उठा करके ये ले आए यहां पर, है ना। तो ऐसे कई जड़ी बूटियां थी हमारी हिमालय में उगा करती थी, उनको ये ले गए अपने यहां पर जाकर के, वहां पे उनको उनका कमर्शियल प्रोडक्शन अपने प्लानिटरी में करा के उससे एल्कलाइड्स एक्सट्रैक्ट करके ड्रग्स बनाने लगे। तो आज भी कोई साइंटिस्ट जब मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिसर्च करता है तो वो पेटेंट लेना नहीं भूलता है, जैसे पॉलीथिए लॉन्गीफोलिया है या सिस्टम नॉक्टर्नम है या ओसिमम सटाइवस है, तुलसी है, सीताशोक है, रातरानी है, इससे कई तरह के अल्कलाइड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उनका पेटेंट तुरंत लेना होता है आपको। क्योंकि अगर आप उनका पेटेंट नहीं लेते हैं तो फिर कोई दूसरी कंपनी जो है वो आपके उस प्रोडक्ट्स को जो है पढ़ेगी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और वो दवा बना करके पेटेंट ले लेगी उस चीज़ का। इंडिया आज भी लड़ रहा है नीम और टर्मरिक एजा डायरेक्टा इंडिका, नीम को लेकर के कि नीम से निकलने वाली जो एजा डायरेक्टिन है इट इज मॉस्किटो रेपेलेंट होने के साथ साथ कई क्यूरेबल इनक्यूरेबल डिजीजेस के हेल्प के लिए भी हेल्पफुल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन इनसाइड द इंटेस्टाइन। और टर्मरिक की अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, सो इज विद ओसिमम, तुलसी के साथ यही है, सो इज विद कोरिएंडर, धनिया के साथ यही है। तो ये हमारे अपने नेटिव चीजें हैं, तो इनकी बायो पायरेसी हो जाती है। फिर पेटेंट क्या होता है, देखिए पेटेंट जो होता है इट इज अ राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। ये चीज मैं कह रहा था आपसे, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यही चीज कह रहा था मैं आपसे कि इन्वेंटर को ये राइट प्रोवाइड करती है कि उसके संस्तुति या उसको लाइजन करने के बिना, बिना उसके एनओसी के आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करके उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसी चीज को कहते हैं पेटेंट। द इन्वेंशन इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट, देखिए सब कुछ एकदम स्पेसिफिक होता है, द इंप्रूवमेंट इन एन अर्लियर इन्वेंशन, किसी अर्लियर कोई पुरानी चीज है उसकी पद्धति में अगर आपने कोई नया इंप्रूवमेंट कर दिया, जैसे भाई कई तरह के जनरेशन्स में वैक्सीन्स बनती हैं, जनरेशन वन, जनरेशन टू, थ्री, फोर, या जो एंटी स्टामाइन्स हैं उनकी जनरेशन चेंज हुई, जनरेशन वन, टू, थ्री, फोर, है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग में मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा प्रोसेस खोज लिया जिससे वो अब और सस्ती बनने लगी है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसका भी पेटेंट आपको मिलता है। एंड द प्रोडक्ट इट्सेल्फ, और आखिरी में प्रोडक्ट का तो जो होता है वो तो होता ही है। तो ये पेटेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, दीज आर द लॉज ऑफ द पेटेंट, ठीक है। इसके अलावा नॉट लास्ट एंड द लीस्ट, आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जो थे उन्होंने स्यूडोमोनास पुटिडा में चार तरह की जीन्स को भी इंकॉर्पोरेट किया था, चार तरह की जो जीन्स थी उनको स्यूडोमोनास पुटिडा के अंदर इसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इंकॉर्पोरेट किया था और एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया था जिसको कि ऑयल स्पिलेज बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है इसको वाटर में तोड़ देता है, इट चेंजेस इनटू CO2 रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में और पानी रह जाता है,
इसको ऑयल स्पिलेज बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे बड़े बड़े लाइनर्स और टैंकर्स जो कि ऑयल कैरी करते हैं वो फट जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, ऑयल की फिल्म बहुत बड़े हेक्टेयर्स, थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ द ओशियन में फैल जाती है, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन का वो बंद हो जाता है, तो नीचे के जो जलचर होते हैं एक्वेटिक फाउना वो बेचारे सफर कर जाते थे। तो अब उसका अगर आप स्यूडोमोनास पुटिटा का छिड़काव कर दीजिए तो ये ऑयल स्पिलेज जो है इसको ये घंटों में साफ कर देता है। ये एक और बड़ी खोज है, हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। Now we come on to some of the questions which are related to this particular topic. The organization whose genetic material has been altered, the organism whose genetic material has been altered using genetic engineering is called genetically modified organisms, GMOs कहते हैं इनको। The full form of GMO is genetically modified organism. Which of the following is responsible for causing डिजीज इन प्लांट्स, वायरसेस? बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजियंसिस। वेयर फ्रॉम बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन ऑब्टेन्ड? बीटी टॉक्सिन कहां से बना है? बैसिलस है, बैक्टीरिया से। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल जीन्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बीटी जीन्स बॉलवर्म्स को। The toxin produced by the BT is coded by the gene named as cryogenes. Which of the following techniques uses genes and DNA molecules for diagnosis of disease? Which of the following techniques uses genes and DNA molecules for diagnosis of the disease? Disease ki diagnosis ke liye. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये ट्रीटमेंट में यूज होती है, डायग्नोसिस करनी है तो पीसीआर। व्हाट वाज़ द अर्लियर सोर्स ऑफ इंसुलिन? स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करने लगे थे। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन ईकोलाई? कौन सी थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए ईकोलाई को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू दो ई कोलाई के स्ट्रेन, एक से अल्फा एक से बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन ली गई और दोनों को एक्सट्रैक्ट करके उनको डाइसल्फाइड लिंकेज करा करके कमर्शियली अवेलेबल करा दिया गया फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। चल भाई।